हाय गाइज, तो फिर से एक नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। गाइज, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि जो वर्डप्रेस का पेज बिल्डर होता है, एलिमेंटर पेज बिल्डर, उसको हम वर्डप्रेस के अंदर कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे उसका सेटअप करेंगे एंड उसको कैसे हम यूज करेंगे पेज को बनाने के लिए। तो गाइज, उसके लिए सिंपली चलना होगा हमें वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, मैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ गया हूँ और यहाँ पे प्लगइन सेक्शन है। प्लगइन सेक्शन में आने के बाद सिंपली ऐड न्यू प्लगइन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे सर्च बॉक्स आएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सर्च करना है एलिमेंटर। फिर आपके सामने जो ये फर्स्ट वाला प्लगइन दिख रहा है ना, एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, ये आइकन भी आपको दिख रहा होगा, इसको सिंपली इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल जैसे ही हो जाए फिर उसके बाद एक्टिवेट कर लेना है। तो गाइज, फाइनली यहाँ पे इंस्टॉलेशन एंड एक्टिवेशन दोनों हो गया है और आप प्लगइन सेक्शन में देखेंगे तो एलिमेंटर यहाँ पे आ भी गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम पेज क्रिएट करके देखते हैं और उस पेज को ना एडिट विथ एलिमेंटर करेंगे, मतलब कि एलिमेंटर से एडिट करेंगे कि कैसे हम उसको एडिट कर सकते हैं। तो सिंपली चलना है आपको पेजेज में, यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में पेजेज का ऑप्शन है इस पे जाना है और यहाँ पे ऊपर जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ना, एड न्यू पेज, इस पे आपको क्लिक करना है और जो भी आप पेज का नाम देना चाहते हैं वो पेज का नाम यहाँ पे डालिए। उसके बाद पेज को पब्लिश करिए या फिर यहाँ पे ऊपर जो बटन दिख रहा है ना एडिट विथ एलिमेंटर का, इस पे आप क्लिक करिएगा, हो जाएगा। तो सबसे पहले हम पेज का नाम डाल लेते हैं। तो गाइस, सिंपली इसका मैंने नाम रख लिया एलिमेंटर पेज और सिंपली इसको पब्लिश कर लेते हैं। और पब्लिश जैसा ही हो जाएगा उसके बाद साथ ही मैं क्या कर लेता हूँ ना, एडिट विथ एलिमेंटर कर लेता हूँ कि ये जो पेज है ना एलिमेंटर के साथ एडिट हो जाए, है ना। और यहाँ पे देखिए एडिट हो गया। अब यहाँ पे मेनू आ रहा है और कुछ जो पेज का हमारा नाम था एलिमेंटर पेज, ये भी आ रहा है। बट क्या होता है ना कि सम टाइम क्या होता है कि इसको हमें हाइड करना होता है, ये जो पेज का टाइटल है इन नहीं दिखना चाहिए। तो उसके लिए सिंपली यहाँ पे जो एलिमेंटर का आपका पैनल ओपन होगा, एडिट होगा, यहाँ पे लेफ्ट साइड में कॉर्नर पे बॉटम साइड में यहाँ पे सेटिंग का साइन है, इस सेटिंग के साइन पे क्लिक करिए। देन उसके बाद हाइड टाइटल का यहाँ पे ऑप्शन है, इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। देन यहाँ पे देखिए हाइड हो गया है ना, और अपडेट कर दीजिए। अब इसके बाद स्टार्ट होता है यहाँ से पेज को डिजाइन करना। तो आपको कैसे पेज को डिजाइन करना है, ग्रिड चाहिए, कंटेनर चाहिए, जैसे कि यहाँ मैं कंटेनर ले लिया, एक कंटेनर के अंदर कितने बॉक्सेस चाहिए, तो अगर दो बॉक्सेस चाहिए तो ग्रिड ले लिया। फिर यहाँ पे देखिए इतने सारे बॉक्सेस हो गए, उसके अंदर क्या चीजें आपको रखना है, इमेज रखना है, टेक्स्ट रखना है ना। तो ऐसे करके आप पेज को यहाँ से डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी आपको विजिट चाहिए, जो भी एलिमेंट को यूज करना है, चाहे इमेज हो, टेक्स्ट हो, वीडियो हो, जो भी वेबसाइट पे आपको डालना है अपने अकॉर्डिंग, यहाँ पे सारे विजिट दिया गया है, इसको डाल के आप डिजाइन कर सकते हैं। तो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। देखें नेक्स्ट वीडियो में हम विजिट को कवर करेंगे, तो विजिट को लेके ना कैसे हम पेज को डिजाइन करेंगे, इमेज को कैसे स्टाइलिंग करेंगे, हेडिंग जो है इसका कलर कैसे चेंज करेंगे, बैकग्राउंड कलर ऐड करना होगा तो कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आने वाले जो नेक्स्ट वीडियोज होंगे उसमें हम कवर करेंगे, है ना। तो गाइज, आज के वीडियो में इतना ही। आज का वीडियो इतना ही था कि बस आप एलिमेंटर को अच्छे से सेटअप कर लें अपने वर्डप्रेस पैनल के अंदर और कैसे उसको पेज बनाने के लिए रेडी कर लें। तो गाइज, आई होप सो कि ये वाला जो वीडियो है ना काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक तो करिएगा ही, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि आने वाले जो भी वीडियो का अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहे।